हाँ जी बताइए। हाँ जी शिक्षा जी की कहना चाहोगे अज हरिमंदर अमृतसर आती हूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आके दर्शन लेके फिर मैं अपने दूसरे काम करती हूँ। मुझे बड़ा ही चंगा लगता है, सुकून मिलता है एंड थैंक यू वेरी वेरी मच। मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ बहुत सारा प्यार मिलता है एंड और क्या बोलूँ। अमृतसर का कोई फूड, कोई खास फेवरेट चीज़ अमृतसर के फूड चो? सबसे यहाँ पे तो कुलचे सब मंगाए मैंने अभी रूम में उधर जाके खा नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं जब यहाँ पे आती हूँ तो मैं बहुत वेट करती हूँ कि मुझे प्रसाद मिल जाए, खड़ा प्रसाद। और अमृतसर में तो खाना बहुत फेमस है okay. तो मैंने सारी चीज़ें मंगाई है अपने रूम में, सरसों का साग, मक्की की रोटी। नेक्स्ट खास प्रोजेक्ट की आ रहा है शिल्पा शेट्टी का? मेरी अगली फिल्म जो आने वाली है वो उसमें मैं बहुत ही अच्छा किरदार प्ले कर रही हूँ, और आपको खुशी होगी जान के कि मैं एक्चुअली पंजाबन का रोल प्ले कर रही हूँ। और पिक्चर का नाम है सुखी, तो मैं सुखी पबजी हूँ पिक्चर में। सबको बहुत अच्छा लगा। तुम बड़े साला तो फिल्म इंडस्ट्री जो कोई खास कोई क्रेज के आ रोल में जरूर जिंदगी च करन दी खास इच्छा होवे जेड़ा रोल करन दी हले तक ना कर पाए हो? सुखी जो बंडल जैक की अगली फिल्म है, और उसके बाद आ रही है IPF इंडियन पुलिस फोर्स जो वेब सीरीज है रोहित शेट्टी के साथ। तो हाँ कुछ इंटरेस्टिंग किरदार है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री को थोड़ा सा सपोर्ट करें क्योंकि बनाने वाले सिर्फ एक्टर नहीं होते हैं, बहुत लोगों के घर चलते हैं। शिल्पा जी एक लास्ट क्वेश्चन है, ड्रग्स पंजाब की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यूथ बहुत ज़्यादा ड्रग्स का अडिक्ट हो रहा है, कोई खास मैसेज देना चाहोगे पंजाबियों को? पंजाबियों क्यों जो भी ड्रग्स के शिकार हुए हैं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि इट्स नॉट समथिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। का ख्याल रखें, हम अपनी लाइफ को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं या अंडर वैल्यू करते हैं क्योंकि हमें फ्री में मिलता है, तो इसको वैल्यू करें। और सबसे पहले तो माता पिता के दिल को ना दुखाएं, सबसे ज़्यादा दुख अपनों को होता है अपने लोगों को सफर करते हुए देख।